वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जनवरी से दिसंबर नाना क्लासेस की पुस्तक का रिवीजन हम कर रहे हैं, न्यू एडिशन की। तो आज हम बात करेंगे, 7 नंबर वीडियो है हमारा जुलाई 2023 के बारे में बात करेंगे। जुलाई का पार्ट फर्स्ट है ये, उसके बाद आपको जुलाई का पार्ट टू मिलेगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो इसलिए हम थोड़े से छोटे वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जुलाई मंथ 2023 की। ठीक है, पहला प्रश्न है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति किस नियुक्त किया गया था? डॉक्टर देव स्वरूप को। ठीक है, फिर देखिए, प्रदेश में किस अभियान के माध्यम से नशे व मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा? तो स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के द्वारा। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस संस्था को वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया है? रिको को। किसको? रिको को दिया गया है। उत्तराना व बरवास माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये है बूंदी जिले से। कहां से है? बूंदी जिले से है। फिर देखिए, हैदराबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राजस्थान की एकमात्र महिला है योग्या सिंह। कौन है? योग्या सिंह। कहां पे? हैदराबाद के अंदर आयोजित हुई थी राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता। फिर बात करते हैं, जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया गया। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? इसमें राजस्थान के 8 जिले शामिल थे। फिर बात करते हैं, लोक देवता वीर तेजाजी के नाम पर शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? जैन रण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। ठीक है, फिर देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक में राज्य स्तर पर जीतने वाली टीमों के गांव में कितनी राशि की लागत से मनरेगा के सहयोग से खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे? 50 लाख। कितने? 50 लाख। फिर देखिए, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? राजस्थान के अंदर। फिर देखिए, प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय सड़क परियोजना का शिलान्यास किसने किया है? तो नितिन गडकरी ने। किसने? नितिन गडकरी ने। फिर अगला प्रश्न देखिए, हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता युग चेलानी का संबंध किस जिले से है? उदयपुर जिले से। किसका? युग चेलानी का संबंध है उदयपुर से है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए, राज्य के स्कूलों में बालिकाओं को नए शैक्षणिक सत्र में आत्मरक्षा हेतु किस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखिए, आईआईटी जोधपुर ने भावी इंजीनियरों के लिए कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर आकलन कार्यक्रम के लिए किसके साथ करार किया है? तो सीआरआई ट्रस्ट के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं, राजस्थान की किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? डॉक्टर रीति सक्सेना को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया था। फिर देखिए, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत आवश्यक औजार खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? तो 5000। अब मेन आपको योजना याद रखनी है कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ठीक है, ये है किसे? औजार खरीदने से संबंधित। ठीक है, और सरकार कितना रुपए देगी? 5000 रुपए। ठीक है, फिर देखिए, अजमेर जिले की सेंट्रल जेल तथा महिला जेल में कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट किस अभिनेत्री ने लॉन्च किया है? सबाना आजमी ने। फिर देखिए, पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? राजस्थान ने कुल 17 पदक जीते हैं। ठीक है, फिर देखिए, कन्हैया लाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लालस, विजय दान देथा के नाम से नव घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? 11 लाख पुरस्कार, 11 लाख राशि। हाल ही में 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? योगेंद्र सिंह को 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेष अधिकारी जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए
राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा विशिष्ट साहित्यकार सम्मान प्रदान किया गया है, वो है फारूक अफरीदी को। फिर देखिए, पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले नितिका बंसल का संबंध किस जिले से है? श्री गंगानगर जिले से है, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ आयोजित किया गया था? कौन सा तरंग शक्ति, याद रखना आपको, तरंग शक्ति अभ्यास राजस्थान के अंदर। फिर देखिए, राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जाएगा? राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। फिर देखिए, प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आमेर जयपुर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में परिवर्तन किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आयरलैंड से, ठीक है, याद रखना है इनको, सीपी जोशी को। 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। फिर देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है? उद्योग व वाणिज्य विभाग को। फिर देखिए, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कार्मिकों को कितने वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्ति होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा? तो 25 वर्ष तक, ठीक है। फिर देखिए, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है, इस ऐप का नाम क्या है? माई बुक लो ऐप, ठीक है। इसके लिए कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री सहायता प्रदान करने के लिए माई बुक लो ऐप राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया है। फिर देखिए, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, परिवर्तित किया गया है तो उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रिको, ठीक है। इसमें आगे देखिए, महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ भागीदारी की है? टाई राजस्थान के साथ। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट ट्रांसफ्यूजन एवं आधुनिक बर्न यूनिट की स्थापना की जाएगी महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर के अंदर, ठीक है। फिर देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? भानु भारती को, ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ राजस्थान विधानसभा के किस सत्र की शुरुआत हुई है? 8वें सत्र की, ठीक है। अमाल में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने? अश्विनी बिश्नोई के द्वारा। फिर देखिए, 11 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? शांति धारीवाल के द्वारा किया गया है। राजस्थान में उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षी घर की तर्ज पर कितने पक्षी घर बनाए जाएंगे? 50, ठीक है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो निक्षय पोर्टल। कौन सा? निक्षय पोर्टल। डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो है सत्यनारायण सिंह। फिर देखिए, राजस्थान के किस मूर्ति कलाकार ने चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले क्ले मॉडल के रूप में चंद्रयान 3 को बनाकर दिखाया है? वो है नवरत्न प्रजापति ने। ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में देश के किस शहर को विश्व में दूसरा स्थान दिया है? उदयपुर को। आगे देखिए, क्रोएशिया के ओसिजेक में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है? रुद्रांश खंडेलवाल ने। फिर देखिए, डॉक्टर रमा गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है? राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा। आगे बात यह है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट
बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूक करेगी, तो ये करेगी जैसलमेर। जनजाति क्षेत्र के शैक्षणिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए आवासीय विद्यालय खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है? 7। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, राजस्थान की रैंकिंग के बारे में असत्य कथन बताइए, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में 15वां स्थान है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए, इसमें इसने पूछा क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने पूछा असत्य कथन है, तो इसमें देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 8वां स्थान है, ये बिल्कुल सही है, और आर्थिक वृद्धि दर में दूसरा स्थान है। टिब्बी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में चौथा स्थान है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में 15वां स्थान है, बिल्कुल नहीं है। फिर देखिए, आगे बात करते हैं। राजस्थान की रैंकिंग के बारे में असत्य कथन बताइए, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में 30वां स्थान है राजस्थान का, पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 में 10वां स्थान है, गरीबी सूचकांक में 18वां स्थान है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में 8वां स्थान है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा गरीबी सूचकांक में 18वां स्थान बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, चर्चित खिलाड़ियों के खेल संबंधी असत्य कथन बताइए। देखिए, पूजा सिहाग का संबंध है कुश्ती से, अजय सिंह शेखावत का संबंध है खेल से भारोत्तोलन से, मंजू बाला आप जानते हैं हेमर थ्रो से है, भावना जाट का संबंध क्रिकेट से नहीं है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि भावना जाट का संबंध किस से है। देखिए, हरीश चंद्र माथुर राज्य लोक सेवा संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया नवीन महाजन को। फिर देखिए, राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार दिए गए हैं, तो उपयुक्त सभी, सर्वश्रेष्ठ जिला में प्रथम झालावाड़, पंचायत समितियों की श्रेणी में शाहपुरा को, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में सालोदा राजसमंद को दिया गया था। फिर देखिए, प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की दिशा में नियम और उपनियम बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है, इसके अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन। ठीक है, उसके बाद देखिए, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 किन्हें प्रदान किए गए हैं, तो राजस्थान बुनकर पुरस्कार दिया गया था अब्बास अली कोटा के हैं, राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया था गोपाल प्रसाद शर्मा को जयपुर के हैं, उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार दिया गया था निर्मला अशोक को जयपुर की है। उपर्युक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए, केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी दी है, इसमें से राजस्थान में कितने रिएक्टर लगाए जाएंगे? इसमें से 4 रिएक्टर। ठीक है, फिर देखिए, टाइगर रिजर्व प्रबंधन व प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 प्रदेश के रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा टाइगर रिजर्व को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? गुड कैटेगरी के अंदर। अगला देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किसे उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? दीपक जोशी को। आगे देखिए, कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है, अक्षिता सोनी। ठीक है, आगे देखिए, चर्चित खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग निशानेबाजी नहीं है? तो सोनल सुखवाल जो है पावर लिफ्टिंग से है, दिव्यांश पंवार सिंह जो है निशानेबाजी से है, ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाजी से शूटिंग से, और विवान कपूर। फिर देखिए, राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है पवन अरोड़ा। देखिए, राजस्थान संगीत संस्थान की 73 वर्ष की सांगीतिक यात्रा पर आधारित किस लघु फिल्म को लॉन्च किया गया है? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीनांद। ठीक है, आगे देखिए, राज्य में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना व उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा देय सहायता राशि को 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी करने का निर्णय लिया गया है? तो 75 करोड़। कितने? 75 करोड़। आगे देखिए, हाइफा हीरो के नाम पर किस नए बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो मेजर दलपत सिंह कल्याण बोर्ड, मेजर दलपत सिंह कल्याण बोर्ड। ठीक है, फिर देखिए आगे, प्रदेश में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TII कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा? तो 500।
कितने? 500। आगे देखिए, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत प्रत्येक गांव की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे कराने हेतु राजस्थान के 8 जिलों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? जयपुर जिला शामिल नहीं है। आगे देखिए, तो इसमें 8 जिले शामिल थे, चित्तौड़गढ़, सीकर, कोटा, झालावाड़, करौली, उदयपुर, धौलपुर, अलवर। ठीक है, इसमें गांव की आबादी भूमि यानी ड्रोन सर्वे करवाने में। फिर देखिए, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति जिन्हें बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस द्वारा इंडियन केमिकल सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है प्रोफेसर रमेश चंद्रा। आगे देखिए, फिर ओजी सेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अमनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस यूनिवर्सिटी से खुलेगा? कोटा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, फिर देखिए आगे, जुलाई 2023, 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की दूसरी, पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया? जोधपुर पर। ठीक है, आगे देखिए, मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो उदयपुर के अनिल चौधरी ने गोल्ड मेडल, जयपुर के अमित जांगिड़ ने कांस्य पदक, भीलवाड़ा के बंटी डायर ने कांस्य पदक। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। मालदीव के अंदर आयोजित हुई थी साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग गेड इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया है? तो आकांक्षी प्रथम लेवल के अंदर। ठीक है, फिर देखते हैं, मोलेला के टेराकोटा को विश्व स्तर की प्रसिद्ध दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? 2012 के अंदर दिया गया था इन्हें। फिर देखिए, देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो 18वां स्थान रहा है। कौन सा? 18वां। आगे देखिए, अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, यह किस जिले में है? ये जोधपुर में है, अमृतलाल स्टेडियम और चैनपुरा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बना पहला फ्यूल बंडल कितने मेगावाट का 25 अप्रैल 2023 को देश को समर्पित किया गया? तो 700 मेगावाट का रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बना पहला फ्यूल बंडल। ठीक है, फिर देखिए, चांगवान कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अमनी लेखरा ने कुल कितना स्कोर रजत किया था? तो 250.01। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 20 मार्च 2023 को पारित किया गया, यह दिव्यांग जनों के लिए राजस्थान का पहला और देश का कौन सा विश्वविद्यालय होगा? तो देश का यह तीसरा जो है विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, तो ये विधेयक पारित हुआ था 20 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जून 2023 में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, उनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो अंजीर उत्कृष्टता केंद्र सिरोही में, ठीक है, बनाने की घोषणा की है। पपीता उत्कृष्टता घोषण दौसा में है उत्कृष्टता केंद्र। अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र सवाई माधोपुर में। उपयुक्त सभी कथन हो जाएंगे। आगे देखिए, सोलर ऑब्जर्वेटरी की सौर भौतिकी कार्यशाला का आयोजन 3 से 5 अप्रैल 2023 को कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन पद्मश्री एस किरण कुमार ने किया था? उदयपुर के अंदर। ठीक है, भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में किसे भारत नेपाल करम श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किया गया था? तो हेमलता शर्मा को। ठीक है, आगे बात करेंगे, वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार डॉक्टर यश गोयल को किस रचना के लिए कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2023 दिया गया? नामुमकिन नेता के लिए। फिर देखिए आगे, राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? 40% है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदान किए जा रहे सामग्री की लागत कितनी है? तो 370 रुपये में आपको वो थैला दिया जा रहा था, जिसमें क्या थी? मिर्च थी, ठीक है, चीनी थी, और क्या था? नमक था, और उसमें धनिया पाउडर था। ठीक है,
और उसमें थी दाल, कौन सी? चना दाल। तो ये इसमें समान था, और प्लस में उसमें क्या था? रिफाइंड तेल। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी भी जा सकती है, तो याद रखना है आपको जन आधार पर दिया जाता था इसको। आगे देखिए, राजस्थान एथलेटिक्स संघ के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए हैं? गोपाल सैनी का। तो ये नहीं याद रखने आपको, हो सकता है आपको दे दिया जाए, मंथ दे दिया जाए, वे अगस्त 2023 या आपसे जुलाई 2023 में, आपसे इस प्रकार प्रश्न आ जाए, जुलाई 2023 में राजस्थान एथलेटिक्स संघ के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किए गए, इस प्रकार के, या कोई मंत्री पूछ ले आपसे। ठीक है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। विधेयक में श्रेणियां रखी गई थी, उपयुक्त सभी, न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार, गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। फिर देखिए, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिउपाय संशोधन विधेयक 2023 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान किया गया, न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास जो भी है उनका। राजस्थान में बीकानेर के बाद किस जिले में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? जोबनेर, जयपुर के अंदर, बीकानेर के अलावा। राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान किया गया, न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष की सजा। ठीक है, आगे देखिए, 21 जुलाई 2023 को मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधानसभा में पारित किया गया। इसके तहत मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? जोधपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। आगे देखिए, कथा साहित्य व सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यनगर शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा? मनीषा कुलश्रेष्ठ और हिंदू सिंह सोडा को। 19 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे पर्यटन मंत्री। ठीक है, आगे देखिए, प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में, यह प्रश्न आ चुका है, के रूप में विकसित किया जाएगा, इसके बारे में असत्य कथन बताइए। देखिए, नंद घर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। नंद घर विकसित करने के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन से समझौता है। ठीक है, सत्य है, 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। सही है, प्रथम चरण में 13 जिलों के 8,000 नंद घर विकसित किए जाएंगे। उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे इसमें। ठीक है, कोई असत्य नहीं है। प्रदेश के 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा प्रति समिति कितनी राशि वहन की जाएगी? 3 लाख रुपए। वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की अधिसूचना जारी की गई है? 44 की। ठीक है, देखिए, राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें राज्यसभा में उपसभापति पैनल में शामिल किया गया है? घनश्याम तिवाड़ी। आगे देखिए, ब्राजील में आयोजित 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? उपर्युक्त सभी, अभिनव शर्मा, पीयूष और गुरांशी शर्मा ने ब्राजील में आयोजित हुई थी, कौन सी? 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं है? देखिए, युग चेलानी है, मंजरी भार्गव है, शगुन चौधरी नहीं है, कीर्ति टाक है। शगुन चौधरी का संबंध किसे है? निशानेबाज है ये, तैराकी से न होकर। फिर देखिए, नीति आयोग से संबंधित है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन बताना है। तो इसमें देखिए, तटीय राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर है, बिल्कुल सही है। हिमालय राज्य में उत्तराखंड राज्य शीर्ष पर है। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान 6ठे स्थान पर है। और निर्यात तैयारी सूचकांक नामक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए, कौन सा संस्करण था? ये तीसरा संस्करण था। ठीक है, आगे देखिए, तो इतने ही क्वेश्चन थे, आगे हम बात करेंगे 100 से आगे क्वेश्चन जितने भी रहे हैं। जो विद्यार्थी सीटेट एग्जाम और रीट लेवल सेकंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। एसएसटी के जितने भी विद्यार्थी हैं, प्रताप क्लासेस पर आपको इसकी जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, इस पर, प्रताप क्लासेस पर। ठीक है,
प्रताप क्लासेस पर आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 100 रुपये में मिल जाएगी। अच्छे तरीके से पढ़िए और इसका टेस्ट दीजिए। डेली इसकी लाइव क्लास जो है यूट्यूब पर उपलब्ध होती है, ठीक है। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे, हमने जुलाई 2023 का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हम कल पार्ट नंबर 2 की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।